नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां आज हम आपको बताएंगे कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्राइट सिंगल स्टार और गैलेक्सीज के अलावा और किसे कैप्चर किया जिसे कोई नहीं देख पाया, कैसे JWST द्वारा ली गई इस तस्वीर ने सबको हैरान कर दिया। जानने के लिए देखिए हमारा ये वीडियो। दोस्तों, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सबसे पुराने सितारों का अध्ययन करने और ब्रह्मांड के इतिहास में काफी पीछे जाकर इसके रहस्यों का पता लगाने के लिए 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया। फिलहाल ये हमारे ग्रह से करीब 1 मिलियन मील की दूरी पर L2 पॉइंट पर परिक्रमा कर रहा है। इस टेलीस्कोप को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप माना जा रहा है। लगभग 3 हफ्ते पहले JWST ने एक ब्राइट सिंगल स्टार की पहली इमेज को लिया था। इसके मिरर्स अलाइनमेंट का काम पूरा होने के तुरंत बाद वेब टेलीस्कोप ने एक तारे की इमेज को कैप्चर किया जो पृथ्वी से लगभग 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। वेब टेलीस्कोप अलाइनमेंट इमेज की पृष्ठभूमि में जो गैलेक्सीज है वो संभवतः लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, जो मिल्की वे से बहुत आगे है। ये तस्वीर इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि JWST अपने एडवांस इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी से ब्रह्मांड के रहस्यों का खुलासा करेगा। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे ये कहें कि तारे और कई गैलेक्सीज को कैप्चर करने के अलावा वेब टेलीस्कोप ने उस तस्वीर में कुछ और भी कैप्चर किया जिसे किसी ने नहीं देखा। जी हाँ, JWST ने गलती से एक चलते हुए ब्लैक होल को कैप्चर किया। हाँ हाँ, ये सच है। इस आधुनिक दूरबीन ने अनजाने में एक गतिमान ब्लैक होल को देखा। माना जा रहा है कि ये हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर है। देखा जाए तो हमारे पास ब्लैक होल के बारे में बहुत कम जानकारी है। ऐसे में हो सकता है कि ये इमेज हमें अंतरिक्ष में रहस्यमय ऐसी खाली जगहों के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद कर सके। ब्लैक होल स्पेस में सबसे अजीब और सबसे आकर्षक वस्तुओं में शामिल है। ये बहुत ही ज्यादा घने होते हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि यदि प्रकाश इसके काफी करीब आ जाए तो वो भी इसकी पकड़ से बच नहीं सकते। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट से लैस JWST जैसे स्पेस टेलीस्कोप ब्लैक होल की खोज में मददगार साबित हो सकते हैं। टेलीस्कोप में लगे स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स ये आसानी से देख सकते हैं कि कैसे ब्लैक होल के करीब के तारे बाकी स्टार से अलग बर्ताव करते हैं। ऑब्जर्वेटरी साइंस एजेंडा में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना, एक्सोप्लैनेट में रहने की क्षमता को तय करना और ब्रह्मांड पर अनएक्सप्लेन डार्क मैटर्स के प्रभाव को निर्धारित करने जैसे मुद्दे शामिल है, और JWST ने यही सब किया। इस इमेज ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को काफी एक्साइटेड किया और साथ ही कंफ्यूज भी, जिनमें से कुछ लोगों का मानना है कि ये चीजें ब्लैक होल नहीं बल्कि वर्म होल हो सकती है। लेकिन हम तो सुपर एक्साइटेड है। मानव जाति इससे पहले कभी भी वर्म होल की खोज नहीं कर पाया, और यदि ये बात एक ही साबित होती है तो ये एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में एक नया सवेरा होगा। इस खबर पर क्या है आपकी राय? क्या आप भी JWST की इमेज को लेकर है एक्साइटेड? क्या आप भी मानते हैं कि JWST कर रहा है कमाल का काम? तो कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।